नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और मैं कमल कौशिक। हरियाणा जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई, जहां सरकार लिंगानुपात में सुधार को लेकर अपनी पीठ थपथपाती नजर आती है, जहां 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से दरिंदगी पर सजाए मौत का प्रावधान भी कर दिया गया है, उसी हरियाणा में अब बेटियों को डर लगता है। जी हाँ, बेटियों को डर लगता है, तभी तो रेप के बाद छेड़छाड़ के बाद बेटियां खुदकुशी को मजबूर कर रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी वही दावे करती है कि बेटियों को लेकर बेहद गंभीर है। हरियाणा पुलिस की छवि को बेहतर बनाने वाली एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में कहा जाता है कि हरियाणा पुलिस से 71% लोग संतुष्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट पर तब यकीन कम हो जाता है जब हरियाणा में बेटियों की सुरक्षा को देखा जाता है, क्योंकि फरीदाबाद से चरखी दादरी तक और चरखी दादरी से लेकर रेवाड़ी तक 1 से 2 दिन के अंतराल के जो डरावने उदाहरण सामने आए हैं, वो बेहद ही शर्मनाक हमारे समाज के लिए भी है और हरियाणा पुलिस के लिए भी। सबसे पहले 9 मई की ही बात करते हैं। इसी तारीख को एक बेटी मंचलों से हार थक कर अपनी जिंदगी का गला अपने ही हाथों घोट लेती है। सुनने में जितनी दर्दनाक ये घटना है, सोच कर देखिए इस कदम को उठाने तक के अंजाम तक चरखी दादरी शहर की चंपापुरी कॉलोनी की एक बेटी कैसे पहुंची होगी। दिन बुधवार का था, वक्त शाम का था। 20 वर्षीय एक युवती ने छेड़छाड़ की घटना से तंग आकर अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतक युवती के परिजनों ने एक युवक पर ऑडियो वीडियो क्लिप वायरल करने और ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया। उसका मोनू नाम का लड़का है, मोनू मंजीत, उसकी माँ ठीक सुमित्रा, उसका भाई सोनू ठीक है, 4 साल से पहले से ही तंग कर रहे थे। उस टाइम भी लड़ाई झगड़ा हुआ था, फिर उन्होंने आपसी समझौता कर लिया। अब ब्याज के बाद याद सा नहीं होगा ठीक है, हम उस पर से सहमत हो गए, पंचायत में बैठ के फैसला कर दिया। सिटी थाने में उस टाइम एफ आई आर दर्ज करवाई थी, वो फैसला हो गया था। उसके बाद भी वो बार बार ठीक इसको तंग करता रहा ठीक, इस हमारी बीवी बच्ची ने उनके दबाव में आके सुसाइड कर। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर एक महिला सहित 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन हैरानी की बात है कि पहले भी मृतका के साथ युवकों के द्वारा छेड़छाड़ की घटना सामने आने पर पढ़ाई तक छुड़वा दी गई थी और घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए थे। यहां तक कि करीबन 1 महीने पहले मृतका को परेशान करने पर सिटी पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई गई थी। फिर समझौते भर से महज आरोपियों को क्यों छोड़ दिया गया, जो कि ये बात खुद पुलिस भी मानती है। को हमें सूचना मिली थी सुसाइड केस की, जिसमें त्वरित मौके पर पुलिस टीम पहुंची थी और मौके पे मोनिका नाम की लड़की जो अनमैरिड थी उसने सुसाइड कर लिया था। हैंगिंग केस था और जो आज उनके फादर की स्टेटमेंट पे विजय कुमार की स्टेटमेंट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं, बात फरीदाबाद की करते हैं। घर से निकलती दिखाई दे रही आग की ये लपटे चीख चीख कर ये गवाही दे रही है एक 14 वर्षीय नाबालिग के आत्मदाह की। मामला मंगलवार 8 मई देर रात का है। आरोप है कि 14 साल की नाबालिग को उसी के पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। इस घटना के बाद सहमी पीड़िता ने अपनी माँ को अपनी आपबीती बताई, लेकिन इससे पहले एक माँ कुछ कर पाती पीड़ित बच्चे शर्मिंदगी झेल नहीं पाई और उसने मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग के हवाले कर डाला, जिसके बाद इलाज के दौरान एक 14 साल की मासूम ने दम तोड़ दिया। हम कमरे से निकले, चप्पल पहनते हो तो गेट खोले, जैसे तो यहाँ नजर आई, ऊपर मुड़ के उठाया तो आग निकल रही थी। इसका पापा नाइट से सोए थे तो मुझे इसके पापा बोले, देखिए प्रीति के कमरा में सिलेंडर की आग लगी की क्या चीज की आग लगी आग। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस शर्मनाक कृत्य के बाद अब दरिंदे आरोपी को पछतावा हो रहा है। कैसे? आपकी वजह से एक लड़की एक्सपायर हो गई है, पछतावा है? इस आरोपी के पछतावे से अब कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इस बेरहम आरोपी ने एक नाबालिग को मरने के लिए उकसाया। अब इसी मानसिकता के कुछ और असामाजिक तत्वों को आपको दिखाते हैं। दरअसल रेवाड़ी में 2 शराबी मजनों ने शराब पीकर सरकारी स्कूल में घुसकर छात्राओं से छेड़छाड़ और बच्चों से मारपीट की। हालांकि इन मंचलों को उस समय ये सब महंगा पड़ गया जब स्कूल स्टाफ ने उन्हें पकड़कर
पुलिस के हवाले कर दिया। गौरव और संदीप ये दो बच्चे मेन गेट से एंट्री करके मोटरसाइकिल पे स्कूल के ऑफिस के गेट तक आए। हमने देखा कि बच्चा जो है यहाँ मोटरसाइकिल पे आ रहा है बाहर का, हम बाहर गए, बाहर जाके हमने उन बच्चों का पीछा किया तो तब तक वो बाहर के गेट पे जाके खड़े हो गए अंदर ही स्कूल के अंदर ही, और वहां पे एक स्कूल का बच्चा पकड़ रखा था जिसको पीट भी रखा था, हमने उस बच्चे को जाके छुटवाया। और फिर एक बच्चा हमें गाली गलौज देख के वहां से भाग गया, एक को हमने स्टाफ आ गया था, हमने उसको अरेस्ट कर लिया। बेटियों के विरुद्ध अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, ये बात कहते कहते हम भी थक चुके हैं, लेकिन आज ये सोचना जरूरी है कि एक तरफ हम हरियाणा में लिंग अनुपात के बढ़ने की राह ताकते हैं तो दूसरी ओर हमारी बेटियां हमारे ही समाज में महफूज महसूस नहीं कर रही। सोचने की जरूरत है कि आज इन सब के पीछे आखिरकार जिम्मेदार कौन है। फरीदाबाद से संजय गुप्ता, रेवाड़ी से पवन और चरखी दादरी से प्रदीप साहू के साथ टीम खबरें अभी तक। तो 2016 के एनसीआरबी के आंकड़े भी यही कहते हैं कि हरियाणा में जो है दुष्कर्म काफी बढ़ रहा है, अव्वल है, और इसी को लेकर जो है चिंता जाहिर की जा रही है। समाज में भी इस तरह के क्यों घटनाएं सामने आ रही है, ये भी आज चिंता का विषय है। बिल्कुल, विपक्ष कहता है कि सरकार पूरी तरह से फेल हुई है बेटियों को सुरक्षा देने में, महिलाओं के प्रति जो क्राइम लगातार बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाने में। इसी को लेकर इनसू के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला से हमारे संवाददाता कुमार रमेश ने खास बातचीत की है, वो सुने। महिलाओं की क्या स्थिति, कानून व्यवस्था की नजर में क्या लगता है जो पढ़ने वाले? बहुत विपरीत हालात है, बहुत विपरीत हालात है। सच्चाई ये है कि जब शासक कमजोर होता है, जब राजा कमजोर होता है तो प्रजा प्रताड़ित होती है। सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री जी को अगर एसपी कुछ कह दे तो मुख्यमंत्री जी उसको जवाब नहीं दे सकते, या एक शासक के तौर पर, एक हेड ऑफ द स्टेट के तौर पर उसे ऑर्डर नहीं दे सकते। चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे तो मुझे अभी भी याद है, शायद आपकी मीडिया के लोगों में चर्चा होती हो, कि रात को विश्राम से पहले 12 बजे 1 बजे जब भी घर लौटते थे तो सभी एसपीज और डीसीज को पर्सनली फ़ोन किया करते थे, पूछते थे कि तुम्हारे यहाँ पर कोई क्राइम, कोई घटना घटी तो क्यों घटी, और घटी तो उस पर एक्शन क्या लिया गया, क्या मुजरिम को पकड़ा गया, और नहीं पकड़ा जाता था तो उस अधिकारी पर कार्रवाई करते थे। आज के हालात ऐसे हैं, हमने देखा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रोलोंग की नीति पर जी रहे हैं कि नोटिस पे देखेंगे, 10 दिन पे देखेंगे, 20 दिन पे देखेंगे। तो इन लोगों को लगता है कि शासक कमजोर है, इनसू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने सुना। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि कमियां कहां हैं। सरकार के दावे भी हैं, सरकार की कोशिशें भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बेटियों से रेप होते हैं और उसके बाद भी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि बेटियां इंसाफ मिल पाएगा इस बात का विश्वास भी नहीं कर पाती हैं, वो खुदकुशी कर लेती हैं। इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे खास पैनल के साथ। इनेलू से प्रवक्ता प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा कांग्रेस से प्रवक्ता तरुण भंडारी जी हमारे साथ हैं, तरुण भंडारी जी बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता नीलम चौधरी जी हमारे साथ हैं, और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी केएस तोवर साहब हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सभी का। नीलम जी, बेहद शर्मनाक है कि बेटियों के साथ रेप होता है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कानून में विश्वास नहीं, वो खुदकुशी कर लेती है। ये देखिए ज्योति, जब भी कोई इंसिडेंट होता है नेचुरली वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और हम नहीं चाहते कि कोई भी इंसिडेंट, कोशिशें जरूर रहती हैं कि एक भी किसी भी प्रकार का हमारे राज्य में इंसिडेंट ना हो, कंट्रोल करने की हमेशा कोशिश रहती है, लेकिन 100% हम उसको कंट्रोल कर पाए हैं या कर पाएंगे इसकी हम जो है वो हमेशा कोशिश प्रयास रहते हैं। जैसे आज वाले केस में भी था, हमेशा जो एक्यूज्ड को पकड़ लिया जाता है, जो एक गुड़गांव का एक छोटी बच्ची का रेप का केस था, उसमें भी जो एक्यूज्ड है उनकी अभी जो है इंटरोगेशन चल रही है वो, और मोस्ट प्रोबेबली वो उन पर जो सस्पिशन, अंडर सस्पिशन है, उनको भी पकड़ लिया जाएगा। और जो एक और बच्ची का सुसाइड का केस है, क्योंकि उसकी कंप्लेंट नहीं हुई थी, अब उसका मामला भी दर्ज कर लिया गया है और उसकी जो एक्यूज है उनको भी अरेस्ट किया जा चुका है। तो हमेशा पुलिस की कार्रवाई हमेशा तुरंत होती है। लेकिन मैडम, आपने चरखी दादरी का वो मामला भी देखा होगा जिसमें पहले भी शिकायत दर्ज करवाई गई थी लेकिन समझौता करवा दिया गया, उसके बाद उन आरोपियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, और उसके बाद क्या हुआ सबके सामने है। जी देखिए, जो समझौता जैसे आप देखें ना, मोस्टली जितने भी ये केसेस होते हैं, इवन एनसीआरबी खुद कहता है कि 98.4 जो परसेंट जो केसेस हैं वो हमारे जो सोसाइटी के जो लोग जान पहचान के होते हैं वो उस पे इन्वॉल्व होते हैं। तो रेप जो है, इस तरह के केसेस इंडोर क्राइम्स होते हैं जिसमें परिवार के लोग शामिल आते हैं और वो पुलिस का सहयोग नहीं पाते। इस विषय पर चर्चा की, दुर्भाग्यपूर्ण है कि कब तक हम इस तरह के विषय पर चर्चा करेंगे, और नीलम जी कब तक ये कहते रहेंगे कि जानकार लोग हैं, आसपास के लोग हैं, परिजन हैं जी,
क्या वो उनकी ओर से क्राइम नहीं किया गया? क्या परिजन होने से क्राइम की गंभीरता कम हो गई या सरकार की जवाबदेही कम हो गई, सिस्टम की जिम्मेदारी कम हो गई? ज्योति, मैं वही कह रही हूँ कि जब कभी शुरुआत में परिवार सहयोग नहीं करता तो उसमें कई बार जो है वो उनकी कंप्लेंट थोड़ा देर बाद आती है, लेकिन जब भी आती है पुलिस का एक्शन हमेशा होता है। और इसके लिए जो कंप्लेंट है, जो विक्टिम है, उसको हर तरह की लीगल मेडिकल जो जो भी सुविधा है वो सरकार देती है। अगर परिवार साथ नहीं देता, सरकार साथ होती है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है। जैसे हमारी जो हेल्पलाइन है 1091-1098 बच्चों के लिए है, और हमारे पास जो ओपन हर समय पोर्टल है, वहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, चाइल्ड ऑफिसर्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। आप किसी भी एक थाने पे दूसरे थाने की भी शिकायत कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको वहां जाना है। तो इस तरह से कंप्लेंट करने के बहुत बहुत तरीके हैं। ऑपरेशन चलाया जाता है जी, और उसको पूरा प्रमोट किया जाता है। उसके बाद कुछ दिन दिखती है पुलिस, स्कूलों के सामने दिखती है, कॉलेज के सामने दिखती है, उसके बाद गायब हो जाती है। इस तरह के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए कमल, ऐसा है जैसा कि आपने खुद ही ये बात मानी कि कुछ दिन दिखती है उसके बाद गायब हो जाती है, और यही हालात है। अभी नीलम जी बड़ा अजीब, मैं तो उसको कुतर्क कहूंगा, हालांकि जो भाजपा का चिरपरिचित अंदाज है तर्क करने का, वही तर्क आज नीलम जी की तरफ से हो रहे हैं। हालात इस वक्त प्रदेश में ये हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध इस कदर बढ़ रहा है। अभी ज्योति जी आपने एक बात कही थी कि विश्वास नहीं रहा। हाँ। विश्वास कैसे होगा? पीड़िता को न्याय पाने के लिए धरने पे बैठना पड़ता है। आपको याद होगा फरीदाबाद का मामला था, हमने चर्चा की थी, जब पीड़िता को न्याय पाने के लिए धरने पे बैठना पड़े और जब न्याय नहीं मिलता तो वो खुदकुशी कर लेती है, जैसा कि मामला आज आप देख रहे हैं। जब इस तरह के हालातों और सरकार की तरफ से क्या हो रहा है, सरकार लगातार प्रदेश की जनता के सामने झूठ परोसने की कोशिश करती है। झूठ परोसना मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अभी पीछे आपने देखा होगा नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, लिंग अनुपात, जो सरकार बार बार ये कहती है कि लिंग अनुपात के अंदर बढ़ोतरी हुई है, नीति आयोग की रिपोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा वो आंकड़े गलत थे। और ये बात मीडिया में भी एक खबर बनी थी कि सरकार की तरफ से गलत आंकड़े देके लिंग अनुपात के जनता के सामने झूठ परोसा। जब सरकार इस तरह के काम करेगी, महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी के ऊपर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। आप देखिए, अगर आप एनसीआरबी के आंकड़ों को निकाल के देखते हैं, आज प्रदेश के अंदर हर रोज 4 रेप की घटनाएं हैं। हमने ये भी देखा कि हरियाणा का जो एनसीआर का इलाका है, देश में नंबर 1 है रेप के मामलों के अंदर। हमने ये भी देखा कि आज हरियाणा प्रदेश पूरे देश के अंदर 4th नंबर पे है बलात्कार की घटनाओं में। इस तरह के हालात प्रदेश में बने हुए हैं, और दूसरी तरफ निजाम सो रहा है। वो कहते हैं ना कि रोम जल रहा था, नीरो बासुरी बजा रहा था, लगभग वो हालात इस वक्त आज हरियाणा प्रदेश के अंदर है। महिलाएं बच्चियां सब अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। हाँ, तरुण भंडारी जी, कांग्रेस को क्या कारण लगते हैं? देखिए, सरकार कोशिशें बहुत कर रही है कि बेटियों को सुरक्षा दी जाए, अभियान भी चलाए जाते हैं, महिला थाने भी खोले जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर क्राइम नहीं रुकता तो खामी कहां दिखती है? ऐसे कि ज्योति जी, प्रशासन चलाने के लिए अनुभव होने की बड़ी जरूरत है, और जिस ढंग से ये सरकार पिछले 4 साल में चल रही है, इसका सिरा ही नहीं मिल रहा, क्योंकि हर 3 महीने बाद अधिकारियों की बदली हो जाती है और इनकी अधिकारियों और प्रशासन के ऊपर पकड़ भी नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ये कह रही थी कि कोई कंप्लेंट करने के लिए हमने ये खोल रखा है, किसी की कंप्लेंट नहीं आई, ये कंप्लेंट करने का मुद्दा नहीं है। ये इस तरह की घनौनी हरकतें ना हो, लोगों में डर हो, प्रशासन का डर हो, कि हमने माहौल ये बनाया है कि कंप्लेंट जो है वो ज्यादा आती है, शिकायतें ज्यादा आती है, जागरूकताएं ज्यादा है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन्होंने दिया, चंडीगढ़ जैसे शहर में इनके प्रदेश अध्यक्ष का बेटा लड़की को छेड़ता हुआ पकड़ा गया, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। और उसमें जब भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन में थी तो ये छोटे से मुद्दे को इतना बनाते थे, रिजाइन करवाते थे, और इन्होंने इतना बड़ा काम ये करके दिखा दिया कि बेटियां अगर चंडीगढ़ में भी अगर घूमे तो इनके प्रदेश का सर्वोच्च जो अध्यक्ष है उसका बेटा भी उसका तोमर साहब, आप खुद पुलिस डिपार्टमेंट में रहे, किस तरह से देखते हैं किसका फेलियर होता है, इस तरह के मामले बढ़ते जाते हैं, उन पर बिल्कुल भी रोक नहीं लग पाती है, प्रशासन का मामला है ये, पुलिस प्रशासन की गलती है या सरकार का ही फेलियर मानते हैं आप? देखो, हम बहुत डिबेटों में यहाँ आया हूँ मैं, और यही बात रहती है कि भाई ये क्यों घट रही है, जिम्मेदार कौन कर रही है, ये नहीं हो रहा। सवाल इस बात का है कि इसका रिजल्ट क्या निकला। हम यहाँ बैठ के इतना कीमती टाइम जो खराब करते हैं, कब तक करेंगे? तो जब तक मानसिकता चेंज नहीं होगी, अब बताओ वो पड़ोसी था जो लड़की फरीदाबाद में जल के मरी है जी, वो घर में घुस के बलात्कार कर गया जी, तो
पड़ोसी में या किसी में पुलिस को कैसे पता लगेगा कि वहाँ ये होने लग रही है, तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है? माफी के साथ रुकूंगी सर, ये तो परिवार परिवार का फर्ज है कि वो अपनी बच्ची की सिक्योरिटी कराए, उसको अकेले छोड़ रहे हैं। ये एक पहलू है क्राइम होने से पहले का, क्राइम हो जाने तक का, लेकिन क्राइम हो जाने के बाद आपकी पुलिस क्या करती है? जब धरने पर पीड़िताएं बैठती है उस वक्त पुलिस क्या करती है? जब इंसाफ नहीं मिलता, खुदकुशी कर ली जाती है, उस वक्त पुलिस क्या करती है? बहुत शर्म की बात है पुलिस के लिए, ऐसी घटनाओं में भी अगर वो कार्रवाई नहीं करती। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की गलती आप मानते हैं? 100% गलती है, अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तुरंत एक्शन होना चाहिए इसके अंदर, तभी समाज में विश्वास होगा पुलिस के प्रति और सरकार के प्रति। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा मेवात में डिंगर हेडी में घटना घटी थी जहां पे बलात्कार होता है, बलात्कार के बाद हत्या हो जाती है, और पुलिस कार्रवाई में जिन युवकों को पकड़ती है बाद में पता लगता है कि वो तो थे ही नहीं। हाँ। जो असली कल्प्रिट थे वो राजस्थान में जब क्राइम करते हैं, वहां जब पकड़े जाते हैं, वहां जब इंटरोगेशन होती है उसमें वो एडमिट करते हैं उस क्राइम को जो वो करके आ चुके हैं। तो इस तरह की तो कार्रवाई पुलिस करती है। हाँ। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो पुलिस के ऊपर है कि पुलिस संजीदगी से अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं करती। नीलम जी, हरियाणा पुलिस के क्राइम अगेंस्ट वुमेन एक सेल है, आपको ही मालूम होगा। आपको ताजा आंकड़े बताते हैं, जनवरी 2017 से लेकर नवंबर तक हरियाणा में दुष्कर्म के मामले में जो है हरियाणा अव्वल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, हरियाणा पुलिस के आंकड़े हैं जी, इसके बारे में हम कई बार बात भी कर चुके हैं और ये शर्मनाक है कि कोई भी इंसिडेंट अगर हरियाणा में होता है। दूसरी बात ये कि जो क्राइम जब भी कहीं पर घटता है उसके बाद की आप पुलिस की जो एक्शन की है उसका भी आप एक डिटेल निकाल कर देखें। हमेशा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है, कभी किसी को किसी तरह का पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं होता। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में धरने पर बैठना पड़ा था, क्या पुलिस ने काम किया था? डिंगर हेडी का जिक्र किया गया, मेवात की डिंगर हेडी में पुलिस ने क्या किया? देखिए ज्योति, हमेशा आप खुद भी जानती हैं कि इस टाइम जब भी कहीं कोई इंसिडेंट होता है तो वो उस डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर खुद वहां जाते हैं विद इन वन आवर उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए। पहले पुलिस की ओर से समझौता करवा दिया गया था, क्या पुलिस समझौता करवाने के लिए? पुलिस समझौता के बाद भी सुरक्षा दी गई है वो खौफ नहीं खाते जी। जो मैं आपको कह रही हूँ कि पुलिस की कार्रवाई हमेशा होती है, और दूसरी चीज जो है जो एफआईआर तुरंत किसे, यानी नीलम जी आप कह रहे हैं कि पुलिस की कोई गलती नहीं है? उस वक्त पुलिस ने क्या किया? प्लीज मुझे बोलने दें, जवाब दीजिए जी। जो हमारे पास जो अब सिस्टम कर रहे हैं, हमारे जितने भी 295 थाने हैं सारे के सारे सीसीटीएन क्राइम कंट्रोल नेटवर्क सिस्टम से, ट्रैकिंग सिस्टम से सारे कनेक्टेड है। इवन जो वुमेन थाने हैं जहाँ पे 22 के 22 जिलों में है, और जो विजिलेंस के थाने वो भी सब कनेक्टेड है। आप किसी एक जगह पे अगर कंप्लेंट करते हैं तो हर जगह जाती है हमारी जो जो हमारी जो खुलने से क्या एक मिनट प्लीज नाबालिग बच्ची, मैं वही तो कह रही हूँ प्लीज जो सुरक्षा का भाव है, मैं एक मिनट अगर मुझे थोड़ा सा वक्त दे प्लीज, और जो अभी जो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं मधुबन में भी जो करीब 600 से 800 लेडीज की ट्रेनिंग दी गई, और हरियाणा पूरे देश में पहला एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे महिला वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग दी गई और वो सोसाइटी में आके काम कर रही है। और एक इसमें जो दो और जो नई जो सरकार की भारत सरकार की तरफ से कोशिश हुई है, जो एक 23 मार्च को ऑर्डिनेंस पास किया गया था और उसके अकॉर्डिंगली जो 1 मई को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्ट नीलम जी ने सुरक्षा का भाव, सुरक्षा के भाव के हालात ये है कि आम नागरिक को तो छोड़िए, आम महिला को तो छोड़िए, इनकी महिला विधायक वो मीडिया के सामने आके रोती है कि उनपे हमला हुआ, उनको जान का खतरा है। संतोष सारवान, इनको याद होना चाहिए, जो सबसे बहुत बड़ा इशू है। तो आम आदमी एक महिला थानों का जिक्र बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से किया जाता है, हैरानी इस बात की है हरियाणा पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों के अप्रूव्ड पद जो हैं वो 16,000 हैं, और इस वक्त जो महिला पुलिस कर्मी है मात्र 7,000 है।
50% से भी कम बजाय पुलिस फोर्स में महिला पुलिस कर्मियों की बढ़ोतरी हो, नई रिक्रूटमेंट हो, उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। और इस लेकिन बार बार पीठ थपथपाई जाती है, हमने महिला थाने खोल दिए बिना स्टाफ के, उन थानों का क्या करोगे? एक और चीज नीलम जी रुकिए रुकिए, बार बार एक जिक्र होता है सामाजिक परिवेश का, सामाजिक जो ताना बाना है उसका जिक्र होता है, सामाजिक चेतना का जिक्र होता है। देखिए इससे कतई इनकार नहीं किया जाता, सामाजिक चेतना की जरूरत है, सामाजिक चेतना भी चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि क्या सरकार अपने कर्तव्य का पालन कर रही है, क्या पुलिस प्रशासन अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। और मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस विभाग से पुलिस प्रशासन से काम लेना भी सरकार का काम है, अगर सरकार में बैठे लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे तो अपराध बढ़ेगा। और हरियाणा प्रदेश में हो क्या रहा है, आपराधिक प्रवृत्ति लोगों को शेल्टर मिल रहा है, सरकार बैठे लोगों को जिम्मेदार ठहरा देना सही है? ऐसा सरकार, कोई भी ऐसी घटना होती है उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होती है। तो आपके समय में जब ऐसे मामले सामने आए थे, आपको याद भी होगा, आप मानते हैं जिम्मेदार हैं? आपने राजा की बात कर रहे हो जी, मेरी बात। सोनिया गांधी कहती है इस तरह के विषयों पर राजनीति ना की जाए। सुनिए, निर्भया कांड में हमने पूरा उनके साथ इंसाफ किया, और आज देखिए किस तरह यूपी में, यूपी और उनाव की घटना कैस किस तरह होती है, इनका विधायक इन्वॉल्व होता है, और सरकार जिम्मेदार होती है। आपकी तत्कालीन कांग्रेस जिम्मेदार रही हिमाचल में निर्भया कांड में, तत्कालीन कांग्रेस ज्योति जी उसके लिए हमारी सरकारें गई हैं, इससे बड़ा और क्या होगा, जनता ने हमारी सरकारें गिराई, इन्होंने कितना बड़ा आज बताइए। यूपी में जब इस तरह की घटना होती है इनका विधायक उसमें इन्वॉल्व होता है, परंतु गिरफ्तारी तो क्या वो धमकियां देके उसको बचाने का, ये बेटी बेटी बचाने की बजाय ये उस आदमी को बचाने का काम, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन किसी को नहीं दिया जाता। जब हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल वहां जाते हैं दिल्ली में जाके हमने प्रोटेस्ट किया, तब जाके उसकी गिरफ्तारी सुबह 4 बजे होती है, इससे पता चलता है ये बेटी को कितना बचाना चाहते हैं। निर्भया कांड की जहां तक आपने बात करी, दिल्ली में हमारी सरकार गई और उसका केंद्र की सरकार पर भी हमारा इफेक्ट आया, और इस तरह की रेप की घटनाएं तो हरियाणा में रोज हो रही हैं। किस तरह से ये प्रशासन चला रहे हैं ये सब जनता को पता है, क्योंकि ये मैं आपको पहले सबसे बड़ी बात है। तोमर साहब, एक चीज जो बहुत साफ है कि देखिए कानून का डर तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं है। अगर पुलिस अपनी ठीक ड्यूटी देवे और अगर ऐसे केसों में भी गंभीरता से नहीं जो एक्शन लेते, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा तोमर साहब, जिस तरह से आपने सुना भी होगा कि विदेशी दौरे पर भी जो हमारे हरियाणा पुलिस का एक प्रतिनिधिमंडल गया है, कुछ अधिकारी गए हैं, क्या लगता है कि वहाँ से मॉडर्न तकनीक ऐसी जो है समझ कर आएंगे कि यहाँ पर असर भी देखने को मिलेगा? पहले भी गए, उन्होंने क्या किया, पहले भी गवर्नमेंट के खर्चे पेश करके आ जाते हैं, वहां से लिया गए, इन्होंने क्या स्कीम चलाई, क्या ट्रेनिंग दी, कितने बंदे ट्रेंड हुए, वो नीलम जी, आप जिनको अभी सुन रही है वो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, उनका कहना है कि पहले भी डेलीगेशन जाती रखी है, क्या सीख कराई और कोई डर रखी है, आप सरकार में हैं, आप पुलिस को डिफेंड कर रही है, ये पुलिस में रहे हैं, ये पुलिस को डिफेंड नहीं कर पा रहे जी। शायद उनको थोड़ा सा और मेंशन भी करना चाहिए था कि इवन जो हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, पुलिस एम्प्लॉइज हैं, मधुबन में रेगुलरली उनका सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलते रहते हैं बच्चों के अगेंस्ट, वृद्धों के लिए और महिलाओं के लिए, इवन बहुत सारे जो वर्कशॉप अगर इंडिया के किसी दूसरे पार्ट में भी होती है तो भी हरियाणा से लोग वहां जाते हैं। और एक मिनट और जो हमारी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स जो डीजीपी लेवल की अभी पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़ में हुई है और यूपी के साथ भी होती रहती है, तो जिस तरह का कोऑर्डिनेशन पुलिस को आसपास की जगहों से चाहिए वो भी होता रहता है, और इवन हमारे डीजीपी साहब तो मोस्टली फील्ड में ही रहते हैं, तो ये बहुत तरह की जो चीजें हैं, जो भी चीजें पुलिस में और पब्लिक में सहयोग के लिए इसका जवाब दीजिए जी। देखिए मैंने आपको बताया ना कि हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% क्राइम को खत्म कर देंगे, कंट्रोल कर लेंगे, कुछ ना कुछ जो इंसिडेंट्स हैं हम कभी नहीं 100% कोई भी सभ्य समाज किसी भी देश में नहीं कर सकता। हम भी चाहते हैं कि 100% आपके लिए आपके लिए कोशिश होती है, किसी की बेटी या किसी की बहन है, सुनिए आप, मैं वही कहती हूं ना, आपके लिए सिर्फ आंकड़ा होगा कि 100 नहीं, मैंने कोई आंकड़ा मेंशन नहीं किया, मैंने कोई आंकड़ा मेंशन नहीं किया, एक एक केस करके केस शर्मिंदगी लाता है, सुरक्षा सरकार क्यों नहीं दे पाएगी, सरकार नहीं देगी सुरक्षा, देगा सुरक्षा 100% की हमेशा कोशिश रहती है। मैं कह रही हूँ कि इंसिडेंट जो है किसी भी समय समाज में किसी भी देश में 100% कंट्रोल हो जाए पॉसिबल नहीं है, हमारी पूरी कोशिश रहती है, मॉडर्नाइजेशन भी किया जाता रहा है। ज्योति जी, भी ऐसा है, जब भी लोग सरकार चुनते हैं सरकार से मुख्यतः क्या चीज मांगते हैं, मांग सबसे पहले बेहतर कानून व्यवस्था हो, बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य मिले। हालांकि हरियाणा में स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें तो बहस लंबी हो जाएगी, लचर हालात है। कानून व्यवस्था के ऊपर मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और देता हूँ। पानीपत के भारतीय जनता पार्टी के विधायक की कार पे अटैक होता है, गाड़ी पे पत्थर मारे जाते हैं, शीशा तोड़ दिया जाता है।
ये खबर आती है समाचार पत्रों में, इनके एक विधायक जो है उन साउथ हरियाणा से, उनकी गाड़ी पे अटैक होता है, उनके ड्राइवर की पिटाई होती है, गनमैन की पिटाई होती है। जब सरकार के अपने विधायक सुरक्षित नहीं है, उनकी पिटाई हो जाती है, तो आम जनता क्या कर सकती है, आप जनता को क्या मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। एक महत्वपूर्ण चीज है, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी खुद ये बात मानते हैं कि चार कैटेगरी ऐसी है जिसमें अपराध पहले से बड़ा है, ये भी मुख्यमंत्री जी ने खुद माना, और महिलाओं के प्रति अपराध उनमें से एक कैटेगरी है। हैरानी इस बात की है कि आप मानते हैं अपराध बड़ा है, लेकिन उस अपराध को किस तरह से कंट्रोल किया जाए इसके ऊपर आप ना तो चर्चा करना चाहते, और एक मिनट एक में क्या होगा, और ना ही चर्चा करते। लेकिन एक चीज और मैं बताऊंगा, हालांकि भंडारी साहब ने बड़ी साफ गोई से एक चीज को माना, हालांकि मैं उस बात की इनकी तारीफ करता हूं, अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखेंगे कमल, आप 2005 से लेकर 2014 के आंकड़े उठाइए, आपको महिलाओं के प्रति अपराध में 174% की वृद्धि उस वक्त थी, आम टोटल जो क्राइम था 555% की वृद्धि थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उसमें जो इजाफा हुआ 39% की वृद्धि सीधी सीधी महिलाओं के प्रति अपराध में हो जाती है, और सरकार मानती है इस बात को, सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन कंट्रोल कैसे करें इसके ऊपर चर्चा भी नहीं करना चाहते। साहब मुख्यमंत्री साहब खुद कहते हैं, आपने भी पीछे बयान सुना होगा उनका, उनका कहना था कि लोग जागरूक हुए हैं, थानों तक पहुंच रहे हैं, मामले ज्यादा दर्ज हो रहे हैं, इसलिए आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, फ्री रजिस्ट्रेशन होगी तो आंकड़े तो बढ़ेंगे, और घटनाएं घटेंगी जब भी तो बढ़ेंगे ना। बिल्कुल, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भाई साहब कर रहे थे, कांग्रेस वाले कह रहे थे कि हमारी हिमाचल में सरकार चली गई, सेंटर में सरकार चली गई, दिल्ली में चली गई, अरे लोगों ने हटाया है, तुमने थोड़ा इस्तीफा दिया था, हमें भुगतना पड़ा, हम ये कह रहे हैं, हमने रिजाइन किया। जी हाँ, सवाल वही है कि हरियाणा में डर लगता है, बेटियां महफूज नहीं है, ये महसूस आज खुद बेटियां ही कर रही है, खुदकुशी के मामले दो सामने आए, उसके बाद हैरानगी भी हुई है, तमाम चर्चाएं हम इसी पर कर रहे हैं, और तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद भी है। नीलम जी, आपसे ही सवाल होगा, सत्ता में आप हैं, किसे जिम्मेदार मानते हैं नीलम जी, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्या पुलिस प्रशासन, क्या समाज, या आपकी सरकार? जी देखिए, सुरक्षा के लिए सरकार को जितने जरूरी जितने सख्त कदम उठाने होते हैं वो हमेशा उठाती रहती है, चाहे वो पुलिस लेवल के हों, चाहे वो लीगल लेवल के हों, चाहे वो सोशल लेवल पे हों, हमेशा कोशिश की जाती है। जैसे कि लीगल जो भी हमें रिक्वायरमेंट थी, जो 23 अप्रैल को जो अंडर मोदी जी की कैबिनेट उसमें चेयरमैनशिप में एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, और उसमें डिसाइड किया गया था कि जितने भी केसेस हैं, जो ऑर्डिनेंस लाके हमें आईपीसी में कुछ चेंजेस लाने थे, क्रिमिनल पिनल कोड में भी और पॉक्सो में भी सब में चेंजेस लाए गए थे, कि जितने भी केसेस हैं वो विद इन 2 मंथ्स जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। मैं ये बात बता रही हूँ कि जितने एक्शन हैं, जो लीगल एक्शन है, हमें सब तरह के एक्शन चाहिए, हमें सब तरह के एक्शन चाहिए, हमें लीगल भी चाहिए, पुलिस भी चाहिए, और गवर्नमेंट की जो हमारी विल पावर है वो भी, और हमारी सोसाइटी का रोल, ये जब सब लोग मिलकर काम करते हैं ना, तब हम किसी भी चीज को काफी हद तक जिम्मेदारी में पूरी कोशिशें कर रहे हैं, हमारे 100% एफर्ट्स उसमें लगे हैं। मैंने कहा ना, ऑर्डिनेंस जो है ना, क्योंकि बदलाव इमीडिएटली लाने थे, तो इसलिए ऑर्डिनेंस पास किया। कितने लोगों ने शर्म किया कि आपने ऑर्डिनेंस क्यों पास किया, इतनी सख्त सजाएं क्यों दी, लेकिन फिर भी हमने किया। नीलम जी जी बार बार एक बात कह रही हैं कि कानून व्यवस्था पे जो कदम उठाने चाहिए सरकार उठाती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सरकार की सच्चाई क्या है। आप हरियाणा विधानसभा सत्र के जितने सत्र आज तक हुए हैं उनका रिकॉर्ड निकलवा के देखिए, हर सत्र में इंडियन नेशनल लोकदल कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा करने चाहती थी। हमने अगर कानून व्यवस्था पे काम रोको प्रस्ताव दिया, या तो उसको खारिज कर दिया या उसको ध्यानाकर्षण में कन्वर्ट कर दिया, और अगर हमने ध्यानाकर्षण दिया तो उसको खारिज कर दिया। ये सच्चाई है, सरकार चाहती नहीं कि इस मुद्दे पे चर्चा हो, सरकार इस मुद्दे पे चर्चा से बचने की कोशिश लगातार करती रही है। और एक बार तो ये भी हुआ कि राज्यपाल जी का अभिभाषण हो रहा है और उसमें कानून व्यवस्था का जिक्र तक नहीं है, जबकि इतना बड़ा मुद्दा है प्रदेश का वो, तो ये तो सोच है सरकार की कानून व्यवस्था पे, कैसे उम्मीद कर सकते हैं सरकार से व्यवस्था पे संजीदा है। अगर संजीदा होती तो ये हालात होते कि लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, चोरी डकैती बढ़ती जा रही है, हत्याएं घटनाएं बढ़ती जा रही है, और प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल बना हुआ है इस वक्त अगर आप देखेंगे तो। भंडारी साहब देखिए, नाकाफी तो है चीजें, जितने भी कदम उठाए गए, जितने भी फैसले लिए गए हैं, भले ही सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया है, कानून को सख्त किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आंकड़े थे वो डराते हैं। ऐसा कि ज्योति जी, सबसे पहले जो मैंने बात बताई कि प्रशासनिक पकड़ किसी भी सरकार की होनी बड़ी जरूरी है, इस सरकार की प्रशासन पे बिल्कुल भी पकड़ नहीं है। ये जितने मर्जी थाने जितने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बता रही थी, हमने ये किया ये किया ये किया, परंतु रिजल्ट क्या है? आज कानून व्यवस्था की हालत ये है हरियाणा में, इतनी रोज मर्डर रेप की घटनाएं हरियाणा में हो रही हैं, तो ये क्या इतने इनके एफर्ट्स करने के बावजूद भी वो कम नहीं हुई? ये इसलिए है कि 3 या 2 दूसरे तीसरे महीने एसपी की ट्रांसफर हो जाती है,
कभी किसी और अधिकारी की ट्रांसफर हुई, उनको जब तक उस एरिया की समझ आती है कि मैं इसे कैसे करूं, तब तक ट्रांसफर क्यों करें? बार बार बदली करना इनकी सरकार का वो है। और प्रशासन पे इनकी पकड़ नहीं है ना, तो मुख्यमंत्री इतना मजबूत है कि वो मंत्रियों और उनपे ऊपर पकड़ रखे, और सरकार सरकार को अच्छे ढंग से चलाए, ये बिल्कुल अनुभवहीन सरकार है। शासक अगर कमजोर होगा तो जनता परेशान होगी। जी जी, पहली बात तो आप देखिए, जब हमें सख्त कानून की जरूरत थी तो मनोहर जो हमारे सीएम साहब हैं मनोहर जी, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि हम जो ना फांसी की सजा का प्रावधान करेंगे इमीडिएटली, और उसके बाद जो हमारे पुलिस प्रशासन में जो चेंजेस आए हैं कि जो हर हफ्ते जहां कोई इंसिडेंट होगा जो कमिश्नर इमीडिएटली वहां पहुंचेगा। इवन हमने जो टीआरपी सिस्टम है, जो ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम है, वो हमने लागू किया, जिसमें कि जो इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है, और इवन जो फिजिकल टेस्ट है वो भी सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। इससे क्या होता है कि जो अच्छे लड़के हैं उनका सिलेक्शन होता है, वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, काफी आप मानते हैं पहले आपको नियम को जान ले, क्योंकि आप उनको ज्यादा फिर कोरिलेट नहीं करते। पहली बात, जो टीआरपी सिस्टम है जो हमारा रिक्रूटमेंट का, उससे जो प्रोसेसिंग हुई है, जो हमारे सिस्टम है, उससे जो अच्छे जो लोग सोसाइटी में बदलाव लाना चाहते हैं वो पुलिस सिस्टम में आ रहे हैं। क्योंकि पहले तो हम लोग जानते थे पर्ची सिस्टम होता था या एमएलए का कोटा होता था, तो ऐसे पुलिस की भर्तियां हो जाती थी। तो अब जो ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम है उसकी हेल्प से अच्छे एजुकेटेड लोग, इवन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स भी आ रहे हैं, तो वो हमारे पुलिस सिस्टम की एक जो सेंसिटिविटी है उसको और ज्यादा अच्छा। तो उसी के कारण इतना क्राइम रेट बढ़ा है, तो उसी के कारण क्राइम रेट इतना बढ़ गया। तोमर साहब, आप सहमत हैं? कौन सी बात से? जो नीलम जी ने कहा है कि पहले किस तरह से भर्तियां होती थी, अब किस तरह से हमारा रिक्रूटमेंट सिस्टम उसी के कारण क्राइम रेट बढ़ा है, बेस्ट सिस्टम है इस वक्त हमारा। रिक्रूटमेंट सिस्टम में तो गड़बड़ होती रही है, अब इम्प्रूवमेंट, क्योंकि काफ़ी लड़के मैं देखता हूँ एचसीएस में भी, दूसरी सर्विसेज में भी, बगैर सिफारिश के, बगैर पैसे के भी सिलेक्ट हुए, ऐसे मेरे नोटिस आए। संदिग्ध होना क्या दो हाँ, अलग चीज़ें नहीं हैं। जब हाँ, संदिग्ध लेकिन लेकिन सवाल ये है कि कमिश्नर साहब तुरंत मौके पहुँचते हैं कौन सी क्राइम पे? जब भी कोई भी रेप का केस होता है तो विद इन वन आवर उनको वहां पे जाके खुद जांच करनी है। एक मिनट, मैं इसमें एक चीज और मेंशन कर दूं, वो तो उनकी ड्यूटी है कि हीनियस क्राइम में सारे में जाए। क्या डकैती रॉबरी का मेरा केस दर्ज हुआ, कोई आया? कोई नहीं आया, बिल्कुल नहीं आते। ज्योति, मैं यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना चाहती हूँ, जो कुछ और चेंजेस हुई है कि जो जो जब भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी बच्चे के अगेंस्ट कोई क्राइम होता है, किसी बच्चे के अगेंस्ट, तो डीजीपी लेवल की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है जो एक मिनट प्लीज जो उस केस की खुद इन्वेस्टिगेशन करेगी। और हमारे पास एक डिले होता है कि विटनेस टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, तो विटनेस को उस केस तक पहुंचाना भी ये टीम काम करती है। और एक और डिले की वजह होती है जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स वो लेट आती हैं, तो हर एक हॉस्पिटल्स और जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे फोरेंसिक किट्स रखी गई है, ताकि जो केस में जो जिस भी वजह से डिले होता है, और जो जिस सरकार को नजर आता है जिन केसेस की वजह से केसेस डिले होते थे, वो सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। जो मैंने आपको कहा ना, लीगल स्टेप पे, लीगल पुलिस स्टेशन पे जो भी चीज, कानून सख्त कर देने से अगर परेशानियों का हल निकल जाता है, लीगल सिस्टम को भी इंप्रूव किया गया है, उसको इंप्लीमेंट ही ढंग से नहीं कीजिएगा तो समाधान मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने ज्योति, कानून बनाना एक अलग बात है और कानून को लागू करना दूसरी बात है। अगर कानून में चेंजेस किए गए हैं नीलम जी, नीलम जी नीलम आप उन इंप्रूवमेंट को देखिए, आप उसमें कहीं नहीं, आपको टाइम मिलेगा नीलम जी, आपको बहुत आगे सबसे टाइम आपको मिला। बड़ी चीज क्या है, इंटेंशन क्या है, जो बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। नीलम जी की जानकारी के लिए बता देता हूं, हरियाणा प्रदेश में अगर मैं बलात्कार के मामलों की बात करता हूं, कोर्ट के अंदर ऐसे केसेस का सक्सेस रेट मात्र 13% है। अरे सुन तो लीजिए, अभी सुन लीजिए ना भाई, नीलम जी सुन लीजिए, जबकि हमारे पड़ोसी प्रदेश पंजाब के अंदर 24% है। तो उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है इन्वेस्टिगेशन, जिस तरह से उसकी जांच होती है, जिस तरह से मामले को जांच कर दिया गया। सबसे बड़ी बात नीलम जी, अब आप डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप सुन लीजिए नीलम जी, अगर सुधार नहीं गए होते, नीलम जी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आप जो बातें कह रही हैं सरकार ने सही नियत से इंप्लीमेंट किया होता, तो क्या आज उस बच्ची को खुदकुशी करनी पड़ती? क्या महिला को धरने पे बैठना पड़ता? क्या इस तरह से एक दिन में चार चार बलात्कार की घटनाएं घटती? क्या इस तरह से हत्या की घटनाएं बढ़ती चली जाती? क्या इस तरह से डकैती के मामले लगातार बढ़ते चले जाते? मुझे हैरानी होती है कि आप इस तरह का तर्क कैसे दे सकते हैं। बड़ी सीधी बात है, जो शासन और प्रशासन अभी जिक्र हो रहा था, तालमेल का अभाव है, वो स्पष्ट नजर भी आता है, उसमें एक बड़ा कारण भी है, उसमें एक बड़ा कारण है जो मैंने पहले भी जिक्र किया था। जब आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को सरकार में बैठे लोग संरक्षण देंगे, तो इस तरह से अपराध बढ़ोतरी स्वाभाविक है। लेकिन अभी आपने सुभाष बराला जी का जिक्र हुआ था, तरुण जी ने जिक्र किया था, वो क्या था?
वो सबसे बड़ा एग्जांपल है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का एग्जांपल है। उनके भतीजे के केस में आप देख लीजिए, उनके भतीजे का जो केस हुआ था वो क्या था, उससे बड़ा एग्जांपल है। उनके बड़े भाई का केस में रिजाइन होना एग्जांपल है, नहीं हो सकता आपकी जानकारी के लिए पता चीजों का। नीलम जी, अगर आपके प्रदेश के अध्यक्ष के परिवार में ही नीलम जी और उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के रखेंगे तो क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकार से? देखिए, पुलिस अगर काम नहीं करती सही ढंग से, राजनीतिक संरक्षण हो सकता है, उसके पीछे राजनीतिक दबाव हो सकता है या पुलिस की अपनी कोई मंशा हो सकती है किसी भी तरह के। ऐसा कि मैं बताना चाहता हूँ, नीलम जी ने बड़ी बड़ी अपनी उपलब्धियां गिनाई। अभी और कहते हैं एक पहले ना, जब आपकी बात पे कोई बोलता है, हमारी बात कंप्लीट होने जी, आप करें, आपके भी आप कह रहे हो कि हमारे कमिश्नर रेप के बाद वहां पहुंच जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये चीजें जनता को नहीं चाहिए, ना इन्वेस्टिगेशन चाहिए ना कमिश्नर साहब चाहिए, उनको रेप की घटनाएं ना हो इस तरह का बंदोबस्त चाहिए। वो बंदोबस्त तब आएगा जब आपकी प्रशासन पे पकड़ होगी और प्रशासन बिल्कुल दुरुस्त होगा। आज आप कहां कहां पे, जहां पे रेप हो जाएगा वहां कमिश्नर पहुंच जाएगा। ये क्या उपलब्धि है, ये क्या गिनाना चाहते हो आप इसके बारे? हमने लीगल वो कर दिया, आपने ये कर दिया, इस नेट रिजल्ट क्या हुआ? आज हरियाणा का क्राइम में ग्राफ कितना बढ़ गया, रोज रेप की घटनाएं हो रही है, रोज मर्डर के केसेस हो रहे हैं, आपके विधायकों के ऊपर अटैक हो रहा है, आप कौन सा आदमी सुरक्षित है? लिंगानुपात में सुधार हो बेहतर बात है आपके लिए भी, जनता के लिए भी, लेकिन अगर बेटियां सुरक्षित ही नहीं है, बेटियां बच ही नहीं पाएंगी, तो सुधार किस काम का है? हाँ ज्योति, मैं वही कह रही हूँ कि जो सुधार के कार्यक्रम है वो पुलिस लेवल पे, लीगल लेवल पे, सोशल लेवल पे, सरकार के लेवल पे हर स्टेप उठाए जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और इसमें क्या है कि जैसे अभी एनसीआरबी की आप लोगों ने मेंशन नहीं किया उसको अभी तक, मैं देख रही थी शायद आप करें, कि जो हरियाणा की पुलिस है वो सबसे ज्यादा जो यहाँ के लोग हैं सबसे ज्यादा संतुष्ट है हरियाणा की पुलिस के काम से जी। इसमें आप हंसते क्योंकि आप हर चीज को राजनीति आप सरकार की, आप बीजेपी की प्रवक्ता है, उसका जिक्र कीजिए कि हमारी कहीं ना कहीं कमी है, हम सुधार करेंगे और बेहतर करेंगे। ज्योति, जब भी कोई इंसिडेंट होता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे कमी होती है, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, चाहे वो पुलिस लेवल पे हो, कहीं ना कहीं होती है जिसकी वजह से वो क्राइम होता है। तो उसमें कोई ये नहीं कि हर बार आप ये कहें कि वो कहीं ना कहीं लूप होल है। बहुत सारे सिस्टम है, हमारा सोशल सिस्टम, हमारे सोशल वैल्यू का डिग्रेडेशन देखो, कहीं पे भाई होता है, कहीं पे पिता होता है, कहीं पे रिश्तेदार होता है, कहीं पे उसका एम्प्लॉयर होता है। तो आप इन वैल्यूज को जब तक हम नहीं बदलेंगे, हम वो उसमें हमारा पूरा सहयोग नहीं मिलता है। मैं कह रही हूँ कि इन जब भी कोई एक बुराई होती है उसको लड़ने के लिए हमें काउंसलिंग करवाए ना सरकार, शराबी घुस जाते हैं सरकारी स्कूल के अंदर, आपकी पुलिस क्या करे थी? नेचुरली उनको दावा ये होता है कि स्कूल के बाद उसके बाद कमिश्नर साहब चले गए ना वहाँ पे, तो इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया ना, इमीडिएट एक्शन हुआ। किसने अरेस्ट करवाया उसको? तो नेशनल सोसाइटी को भी पार्टिसिपेट करना उन्होंने किया और उनको पकड़वाया। स्कूल के अंदर तो पुलिस नहीं हो सकती ना, बाहर तो जहाँ भी इंसिडेंट होते हैं इमीडिएटली छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई है जी। वही मैं कह रही हूँ ना कि बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ हमें समाज का, हमें अपना इंडिविजुअल रोल भी वहाँ पे प्ले करना होता है। पुलिस मौजूद नहीं रह सकती स्कूल के अंदर, नहीं होती स्कूल के एनवायरनमेंट के बाहर, पुलिस स्कूल के अंदर पुलिस नहीं होती, बाहर की बात कर रहा हूं, उनके अपने गार्ड्स होते हैं, स्कूल के अपने गार्ड्स होते हैं, स्कूल के हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए अपनी जिम्मेदारी समय सीमा निर्धारण के साथ सरकार चलाती रखी है, इसे रोकती भी रखी है ऑपरेशन दुर्गा को। लेकिन फिलहाल सवाल यही है अत्रे साहब, जिस तरह से दिक्कतें परेशानियां जितनी है, एक बार भी नीलम जी की ओर से माना नहीं गया कि सामाजिक पक्ष की बात तो सामाजिक कार्यकर्ता कर लेंगे ना, सरकार भी सामाजिक पक्ष की बातें करती रहेगी, तो सरकार की जिम्मेदारी की बात कौन करेगा? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी की बात मैं बताता हूँ ज्योति। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी, अपने घोषणा पत्र में एक वायदा किया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसेज के अंदर सुरक्षा गार्ड लगाने का, वो भी लगाए जाए। कब लगाएंगे? चार साल हो गए कहते वो भी लगाई जाएंगे। अरे आपने ये वायदा करके वोट लिया था नीलम जी, आपने ये वायदा करके वोट लिया था, और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। आप चाहते तो सरकार बनती अगले दिन ये कर सकते थे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए गार्ड नियुक्त हो सकते थे, लेकिन आप महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सचेत नहीं है, संवेदनहीन है, इस वजह से आप इस छोटे से वायदे को भी पूरा नहीं कर सके। और दूसरी बात, लगातार अपराध के कारण बता रही है नीलम जी, आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, आपको बात यह करनी चाहिए कि वो कारण ही पैदा ना हो, वो अपराध ही ना हो। और आप क्या कह रहे हैं कि अपराध हो गया, अब हम ये बात करेंगे, अब
वहां पे कमिश्नर साहब जाएंगे। ऐसा अपराध हो क्यों रहा है? सवाल हमारा ये है कि ऐसा अपराध क्यों हो रहा है, क्यों इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, क्यों समाज सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इन घटनाओं को रोके, इस तरह का अपराध प्रदेश में ना हो, इस पर चर्चा कीजिए निलंबित। हाँ, तो इसी तरह इसलिए आपसे जवाब लेंगे, जवाब रखिएगा अपने पास। तोमर साहब अभी बताइए, आपकी पुलिस कोशिश क्यों करती है कि समझौता करवा दिया जाए इस तरह के मामलों पे? सवाल ये है जी, इनएफिशिएंसी है पुलिस की, कोई लोभ लालच है उसका, किसी पार्टी से मिल जाते हैं। अब सवाल ये है अभी कानून बनाने से लागू कौन करेगा? लागू तो पुलिस ने करना है, और पुलिस नाअहल है, पढ़ती नहीं। अब सीनियर सिटीजन का कानून बना रखा है, गवर्नमेंट ने एक्शन प्लान बनाई है। मैं यहाँ बैठ के कहता हूँ, कल टेस्ट ले लो, ना उस एक्ट के बारे में पता पुलिस को, ना उस एक्शन प्लान के बारे में पता, और कहते हैं इट इज ए वेस्ट पेपर, इट इज नॉट टू बी इम्प्लीमेंटेड, इट इज ओनली पेपर ओनली। तो पुलिस क्या, पुलिस तो किसी काम में करने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, कानून बनाने से थोड़ा आप जवाब दीजिए। आप मात्र साहब ने कहा कि आपको कारणों का पता है, कम से कम उस कारणों का जिक्र ना करें हालांकि, लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर कारणों का पता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, उनकी जानकारी है, तो समाधान दीजिए कम से कम। हाँ देखिए, कुछ चीजों को आप जो है मिला देते हैं अत्रे जी, और उसको देखिए इसमें जब भी हम कभी बात करते हैं तो चार फैक्टर्स आते हैं, एक गवर्नमेंट के लेवल पे, एक पुलिस के लेवल पे, एक लीगल और एक सोसाइटी। ये चारों एक बहुत मजबूत सिस्टम है जिनको सबको मिलकर काम करना होता है। हमारी गवर्नमेंट की जो है, हमारी विल पावर भी स्ट्रॉन्ग है सेंटर में भी और स्टेट में भी, इसलिए हम इतना ऑर्डिनेंस लाए। लोगों ने बहुत शर्म मचाया कि ऑर्डिनेंस के थ्रू आपने आईपीसी में इतने स्ट्रॉन्ग चेंजेस कैसे ला दिए, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमें लेने थे, इसलिए हमने उसे फांसी का सजा का प्रावधान किया और अगले दिन प्रेसिडेंट साहब ने उसमें साइन कर दिए थे। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, क्योंकि हमें लीगल जो प्रोसेस है उसको भी फास्ट करना था, फास्ट कोर्ट्स और जो स्पेशल कोर्ट्स के लिए भी प्रोविजन किया गया है। और इन सारी डिस्ट्रिक्ट्स में जो केसेस चल रहे होते हैं ना, तो जो हाई कोर्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में हाई कोर्ट में 3 जज की कमेटी बनी है जो उनको मॉनिटर करेगी। तो लीगल स्टेप पे भी जो केस फास्ट हो, डिसीजन हो, उस पे डिसीजन लिए गए हैं। देखिए, सिर्फ आपकी पार्टी की बात नहीं की है, आप विपक्ष में है तो आप कैंडल मार्च निकालेंगे, आप इंसाफ की मांग करेंगे, आप सरकार में है तो उन्हीं चीजों को आप डिफेंड करेंगे, तो कब तक इस तरह के मामलों पर राजनीति करते रहेंगे? ऐसा है कि मैं बताना चाहता हूँ, पहले नीलम जी की बात, इन्होंने पुलिस का आंकड़ा रखा, मैं पुलिस के आंकड़े की बात करूंगा। पिछले साल नवंबर तक 9523 केसेस महिलाओं के खिलाफ अपराध हो चुका है, जो पुलिस का आंकड़ा है, और उसमें से ये कह रहे थे कि पारिवारिक लोग होते हैं, नजदीक के लोग होते हैं, उसमें 2432 तो अपहरण के केसेस हैं। अपहरण के केसेस कभी भी उनके परिवार के लोग नहीं करते, तो ये बड़ा अपराध जो है वो हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ ज्यादा बड़ा है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इन्होंने नारा दिया था, ये बेटी को बचा नहीं पाए, ये बेटी को पढ़ा नहीं पाए, और इनके नारे सारे खोखले साबित हुए हैं। मैंने जो पहले भी बात बताई थी, ये जो मर्जी कर लें, जब तक सरकार ये बिल्कुल अनुभवहीन है, प्रशासन जब तक मजबूत ये लोग नहीं करेंगे, तो जितने मर्जी ये थाने खोल दें, जितने मर्जी कमिश्नर साहब को ऑर्डर कर दें, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनके ऑर्डर की पालना ही नहीं हो पा रही। और तोमर साहब, जी भंडारी साहब का जवाब पूरा हो गया। तोमर साहब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया 2015 से, जहां तक मुझे ध्यान है ये अभियान उसी साल से चलाया गया है, बहुत पैसा खर्च किया है सरकार ने, करोड़ों रुपया लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है, क्या समाज जागरूक हुआ है और क्या कुछ करने की जरूरत है सरकार को, आज इस तरह के मामले सामने ना आए? देखो जी, जागरूकता का तो ये आ रहा है आपके पास रिजल्ट्स के, समाज में जागरूकता तो नहीं हुई है, लेकिन रिजल्ट भी आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या था आपका? जी बिल्कुल, इस तरह से जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं अपराध, सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपया तो खर्च हो चुका है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि ये भी कारण दिया जाता है कि समाज में जागरूकता नहीं है। देखो जी, सरकार ने तो कुछ करना नहीं, करना तो पुलिस ने है, पुलिस जब तक एफिशिएंट नहीं होगी तब तक आप कितने, देखिए करना तो सरकारों को भी है सर, मैं आपकी बात पे थोड़ा थोड़ा लग सकता है। पुलिस किसके अंडर है? वो सरकार के अंडर है, अगर सरकार जवाबदेही तो राज्य पुलिस की जवाबदेही राज्य सरकार को होगी, कम से कम इतना तो मानते हैं। अब लिया, किसी की शिकायत हुई, बदल दिया, भाई उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, सस्पेंड करो, एक्शन लो, ताकि दूसरा पुलिस अफसर। आप भी पुलिस डिपार्टमेंट में रहे, क्या कोई दबाव होता है सरकार की ओर से किसी तरह का, किसी भी मामले में कोई बड़ा मामला सामने आ जाए? मेरे पे तो 38 साल में हुआ नहीं, कोई पॉलिटिशियन बता दे, कोई अफसर बता दे, मेरे स्वतंत्र रहती है कि नहीं, मेरे ख्याल में तो मैं तो स्वतंत्र था। हाँ। तो मेरे अनुभव में तो ये है नहीं, बिल्कुल प्रेशर था कि नहीं था जी। मैं ये यहाँ कहता हूँ, कोई अफसर कोई पॉलिटिशियन बता दे, कोई गलत काम करने की हिम्मत भी की हो मुझे, मैंने तो किया नहीं जिंदगी। लेकिन आप किस तरह से मानते हैं कि आज जो सरकार के आंकड़े आते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि लोग जागरूक हों, थानों तक जाएं, अब हो रहा है कि भाई जो है ना, मुंह देश में ठीक। चलिए आखिरी कमेंट लेंगे सबके, नीलम जी क्या आश्वासन देंगे आप उन परिजनों को जिनकी बेटियों ने खुदकुशी की?
जी पहली बात तो ये, ऐसा कदम कभी भी किसी को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ अगर उसका परिवार भी साथ नहीं है तो सरकार उनके साथ है। मैंने आपको बताया कि हर तरह की जो प्रोटेक्शन है महिलाओं को है, हिम्मत रखें, ऐसा कदम तो कभी भी ना उठाएं। इवन इसमें अगर किसी को लगता है अड़ोसी पड़ोसी को कि ये बच्चा इस तरह, जैसे कोई भी डिप्रेशन में आता तो पता चल जाता है, तो उसको सहयोग दें या उसकी कंप्लेन करें ताकि पुलिस या प्रशासन उसकी मदद के लिए आ जाए। पहली बात ऐसा कदम कभी नहीं उठाना चाहिए, तो सरकार हमेशा आपके साथ। आप क्या सलाह देना चाहेंगे सरकार को कि ये फसीहत ना हो, रोजाना ये मामले सामने आए और बड़ा दर्द होता है, दुख होता है। देखिए कमल, हम लगातार एक घंटे से इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मामले में संजीदा होना पड़ेगा, संजीदगी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा। अभी बार बार एक जिक्र हो रहा था सामाजिक कारणों का, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि सरकार ने कितने सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए? सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगी तो स्वाभाविक है कि हालात इस बच्चे बदतर होते चले जाएंगे जो इस वक्त प्रदेश में हो रहे हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, कर्तव्य का पालन नहीं है, लेकिन कुतर्क लगातार होते हैं जब कानून व्यवस्था का जिक्र होता है, जब बेटियों की सुरक्षा का जिक्र होता है। नीलम जी, मैं हैरान था जब ये कह रही थी कि ऐसी बच्चियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सोच के देखिए उस बच्ची की वो मानसिक स्थिति जब उस हालात में इतना बड़ा कदम उसको उठाना पड़ा, कहीं ना कहीं सरकार से बुरी तरह से संवेदन है, संवेदनहीनता जो है वही बहुत बड़ा कारण है। आत्मदाह करने की चेतावनी दी जाती है इंसाफ ना मिलने की सूरत में, वो चीजें नजर नहीं आती। जी देखिए, हमेशा जब भी कंप्लेंट होती है हमेशा पुलिस तैयार होती है और हमेशा उस पर एक्शन या कार्रवाई की जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सोशल अवेयरनेस भी इसके साथ साथ बहुत जरूरी है। अगर आपने कितने प्रोग्राम चला दिए ऐसे कि आपने सोशल अवेयरनेस के कौन से प्रोग्राम चलाए? क्यों हमारे सरकार का कर्तव्य नहीं बनता कि सरकार सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए? स्कूलों में कॉलेजों में कार्यक्रम चलते हैं, कौन से कार्यक्रम बताइए, कौन से कार्यक्रम नाम बताइए, कार्यक्रम बताइए, कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? वॉलंटियर्स महिलाएं अब गाँव में जाके वापस जाके काम कर रही है। नीलम, कहां सरकार काम नहीं कर रही है, आपकी आपके मुख्यमंत्री मंत्री विधायक आपके अधिकारियों से काम नहीं हो पा रहा, आपकी महिलाएं कहां काम कर रही हैं? आपको आपको प्रजातंत्र पे सरकार लाठी के भेजा हुआ है, पानी की बुछार करती है। सरकार ने आपको चुन के भेजा, सारा तंत्र मंत्र आपके पास है। एक सवाल का जवाब दीजिएगा, आपने मान लिया कि हमारी सरकार भी इस वजह से गई कि हम बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाए? नहीं नहीं, ये बात नहीं थी, एक केस की बात, आपने निर्भया की बात करी। ना ज्योति जी, आपने सिर्फ निर्भया कांड की बात करी जिसके कारण, निर्भया कांड की बात करी जिसको कि ऑपोजिशन ने बड़ा बुलाया, उससे बड़े कांड तो आज भी हो इनके विधायक, उसमें कोई कांग्रेस का, कोई कांग्रेस का उसमें आदमी इन्वॉल्व नहीं था। इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक इन्वॉल्व होने के बाद ये कार्रवाई नहीं करते, जब कांग्रेस उस पे प्रोटेस्ट करती है तब जाके विधायक की गिरफ्तारी होती है। तोमर साहब, आखिरी कमेंट आपका, 10 सेकंड। हाँ जी, सवाल ये है जी, जब तक पुलिस एफिशिएंट नहीं होगी, मैं देख रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन करनी नहीं आती। कानून को लागू तो तब करेंगे तब उनको कानून का ज्ञान होगा, उनको ट्रेनिंग होगी, उनकी यानी पुलिस की अच्छी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, ट्रेनिंग होगी, जागरूक करने की जरूरत है समाज को, चलिए शुक्रिया सभी का। उम्मीद यही है कि इस तरह के विषयों पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत ही ना पड़े, बेटियों को सरकार सुरक्षा दे पाए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।